एवरीवन, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री क्लासेस। आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं, साथ ही आपका एनुअल एग्जाम में ओनली 2 मंथ बच गया है, तो कैसे आप अपने चैप्टर को सिस्टमेटिक मेमोरी मैप बना करके, शॉर्ट नोट्स बना करके प्रिपेयर करेंगे, बस उसी पर्पज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट, सेकेंड चैप्टर ऑफ द क्लास 10th। यहाँ पे हम हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो एज अ रिविजन भी पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली। हर टॉपिक को मैं यहाँ कवर कराऊंगी और साथ ही साथ आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगी। 20 मिनट्स में ही आपके 1 चैप्टर प्रिपेयर हो जाने वाला है। तो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, जल्दी से बस इसको डेफिनेशन दे देते हैं। तो एसिड बेस को डिस्क्राइब करने के लिए मेनली 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट आए थे। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने बताया था, एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप किसी स्पीसीज को डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन में आप किसी स्पीसीज को डालते हैं और एच प्लस आयन वो देता है, तो जो स्पीसीज एच प्लस आयन देगा उस स्पीसीज को आप बोलोगे एसिड, एंड जो स्पीसीज ओएच माइनस आयन डोनेट करता है उसको आप बोलते हो बेस। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन था कि एच प्लस डोनर स्पीसीज, आप सीधे एक लाइन में लिखेंगे एच प्लस डोनर क्या होते हैं, एसिड, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये चीजें समझ आ गया। ओ एच माइनस डोनर, ओ एच माइनस डोनर आर बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। समझ आ रहा है, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस डोनर देखोगे तो आप उसको बोल दोगे बेस है, एच प्लस डोनर देखोगे तो आप उसको बोल दोगे एसिड है। तो एच प्लस डोनेट कर रहे मतलब उसमें एच प्लस भी होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं HCl, H2SO4, HNO3, आपको दिख रहा है सब में H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन एक्वो सॉल्यूशन में दे देते हैं और क्या चीज को फॉर्म करते हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करते हैं। इनके केसेस में एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH, KOH, तो ये जिनमें OH प्रेजेंट है, जो एक्वो सॉल्यूशन में OH को डोनेट कर देते हैं उसको आप बोलते हो बेस, जो H+ को डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं एसिड। ऐसा किन्होंने कहा था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसी के जैसा ही है। जो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी है उन्होंने बताया कि H+ डोनर, जो H+ डोनेट करेगा, इसी के जैसा ही बोला था, H+ डोनर एसिड होता है, और इसने बोल दिया फिर H+ एक्सेप्टर बेस होता है। इन्होंने प्रोटॉन के बेसिस पर समझाया कि प्रोटॉन डोनर आर एसिड, या H+ डोनर आर एसिड, H+ एक्सेप्टर आर बेस। अब इन्होंने कैसे एग्जांपल से समझाया, इन्होंने कहा कि आप जैसे HCl है उसके रिएक्शन कर दो NH3 से, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या होता है, एसिड है, और ये क्या होता है, बेस। तो एसिड हमेशा ही क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, H+ को एसिड डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, इस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है NH4 पॉजिटिव Cl negative, तो इसको बोला जाता है conjugated acid base। तो इसका concept बताया था कि उन्होंने Bronsted and Lowry ने। आपको conjugated acid base तक नहीं जानी है, आपको तो quickly revision करनी है, 10th syllabus में है भी नहीं, लेकिन आप इतना जरूर जाने कि H plus donor is the acid और H plus acceptor is the base, ये किन्होंने कहा था, Bronsted and Lowry ने। फिर आ जाता है concept of the Lewis acid, आपके में Lewis dot structure है ना, starting में ही है। तो Lewis क्या बोलता है, ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेता है। समझ रहे हैं आप, तो लुईस के बेसिस पे आप सीधे एक लाइन में बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसके एग्जांपल में आ जाता है BF3, AlCl3, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। यहां पे आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आप देख लोगे, NH4 नेगेटिव, NH3, NH2 नेगेटिव, और भी आप देख लीजिए Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो इजी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला स्पीसीज एसिड होता है।
तो आपने ये थ्री इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एसिड बेस का देख लिया, होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे मेमोरी में बनाइए और देख लीजिए, क्योंकि हमने एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ लिया तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, नाइन्थ क्लास में छोटा छोटा चीजें आप फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसको जानते हैं कि वो टेस्ट में कैसा होता है, वो लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्शन करता है। मैं आपके आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो एसिड की जब आप केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो सबसे पहला एसिड की रिएक्शन करा दो मेटल के साथ। आप मेटल है आप कोई भी ले सकते हो, पूरे एस ऑर्बिटल, पूरे जो एस ब्लॉक है आपका वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो एस ब्लॉक के कोई भी रिएक्शन ले लीजिए आप उठा के, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन कराइए पहले एसिड से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज मैंने Na है और उसकी रिएक्शन करा दिया एसिड से, HCl से, तो क्या बनाएगा? सीधे सीधे से हमें दिख रहा है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सबसे पहले बनेगा सॉल्ट, NaCl बनेगा सॉल्ट। तो बचा क्या, हाइड्रोजन। तो एक वर्ड में लिख दीजिए, सॉल्ट बनते हैं साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, सॉल्ट बनता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये आपका समझ आ गया कि सॉल्ट बनेगा प्लस एच टू गैस रिलीज होगा जब आप मेटल से रिएक्शन करोगे। बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे आप टू लगा लीजिए, यहाँ भी टू, तो यहाँ भी टू आ गया, रिलेशन बैलेंस हो गया। फिर आप क्या करो, अभी जैसे मेटल से रिएक्शन कराया था मेटल ऑक्साइड ले लो, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आता है ना ये चीजें बनाना कि ऑक्साइड को कैसे लगाते हैं, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था हमने, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में टू नेगेटिव चार्ज है, इसलिए सिंगल लिया। तो जब मैंने मेटल ऑक्साइड लिया और इसके रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो क्या बनेगा? तो देखो मेटल की रिएक्शन एसिड से कराया तो सॉल्ट और एच टू गैस निकला, यहाँ ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है, तो एच टू गैस की जगह आप क्या निकाल दो, वाटर, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन ही एक्स्ट्रा है इसलिए आप सीधे से ये आपका MgCl2 बना दो, क्या बना अभी सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बाहर निकलता है, वाटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब आप एसिड की रिएक्शन करा दीजिए मेटल हाइड्रोक्साइड से, मेटल हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्शन करा दो एसिड की। तो बस रिएक्शन लिख के देखिए, मेरे पास है NaOH इज द मेटल हाइड्रोक्साइड, ऐसे भी ये बेस भी तो है, तो क्या रिएक्शन होने वाला है जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, और किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। तो यस, मेटल हाइड्रोक्साइड जब भी HCl से रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले तो बनाएगा सॉल्ट NaCl, और NaCl के साथ साथ अभी भी बन जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर दिख ही रहा है ना आपको यहाँ, और यहाँ से वाटर हो जाएगा NaCl बन जाएगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर। अब लास्ट जो रिएक्शन आपको पढ़नी है वो क्या है, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, सपोज हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कार्बोनेट CaCO3, बाइकार्बोनेट HCO3, राइट? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया किसी नॉर्मल एसिड से, तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले तो बेटा कार्बोनेट में क्या प्रेजेंट है, CO3, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो सकता है। यस, यहाँ पे भी सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या क्या बनने वाला है, सॉल्ट, तो सॉल्ट तो पहले बना दो CaCl2, ये सॉल्ट बनाना आता है ना आपको, कैल्शियम है, यहाँ से अगर आप ब्रेक करते हो तो कैल्शियम पे टू पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे टू नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। पर एक क्लोरीन पे क्या होता है, एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो मुझे दो क्लोरीन लेना पड़ेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए दो क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ बनने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर। तो बस ये हो गया आपका क्विकली रिविजन। एसिड हमने पढ़ा, एसिड क्या होता है, फिर एसिड के हमने केमिकल रिएक्शन कराया, किसके किसके साथ, मेटल के साथ कराया, मेटल ऑक्साइड्स के साथ कराया, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ कराया, और लास्ट में मेटल कार्बोनेट्स के साथ। तो क्या क्या बनना प्रोडक्ट में, वो चीजें एकदम सिक्वेंस में आपको याद हो गया, राइट? एक मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लीजिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो और इससे भी HCl की रिएक्शन कराओगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बना देना है, CO2 बना देना है और साथ ही वाटर। तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो आपको बड़े ही सीक्वेंस में एसिड की प्रॉपर्टी समझ आ गई है। अब आप देख लेते हैं क्या बेस की प्रॉपर्टी। तो बेस की प्रॉपर्टी में आप देखते जाइए, जैसे जैसे सीक्वेंस है आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा, सबसे पहले आप रिएक्शन कराएंगे बेस की किसके साथ, मेटल के साथ। तो जैसे ही हमारा जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है,
वो प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, जैसे बिल्कुल सेम एसिड ने किया था। यहाँ पे मेटल है, मेटल की रिएक्शन NaOH से हो रही है, तो आप यहाँ पे बना दोगे एक सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट टाइप का सॉल्ट बनेगा। प्लस हमारे पास ये जो H2 गैस है ये बाहर हो जाएगा रिएक्शन में। करना कुछ नहीं है, H2 गैस बाहर निकाल दीजिए, बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस करो, और बैलेंस करके फिर सब कुछ अपने आप बन जाता है प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। ये एक टाइप का सॉल्ट है। क्लियर हो गया ये चीजें? तो सिंपल, जैसे आपने एसिड में याद रखा उसी सिक्वेंस में याद रखेंगे कि बेस रिएक्ट विद द मेटल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड H2 गैस। अब मेटल ऑक्साइड आएगा, तो मेटल ऑक्साइड आएगा तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया है, तो H2 गैस की जगह आप क्या बाहर कर दोगे? वाटर। तो वही सेम सीक्वेंस देखो, सपोज हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है और इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ। तो बेस के साथ जैसे ये मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा, अभी भी प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट। अच्छा, ये ना रिएक्शन में भी आता है और प्रॉपर्टी में भी आता है, तो दोनों साइड से आपको फायदा है। कभी कभी ऐसे रिएक्शन को ही कंप्लीट करो करके दे देता है, ठीक है, कि व्हाट हैपन व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस। आपको रिएक्शन करके दिखानी है, साथ ही रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, तो उसके लिए भी आप सीखे लिखना। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम जिंकेट, अभी भी सॉल्ट ही बनेगा, और सॉल्ट के साथ में अब क्योंकि एक ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ से, तो आपको बना देनी है H2O वाटर। क्लियर है ये चीजें? तो बहुत सिंपल वे में याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए आप। फिर आपको रिएक्शन करानी है बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन हो सकते हैं? तो जितने भी आपके पास पी ऑर्बिटल्स के नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड ले लो। जब आप मेटल के ऑक्साइड लेते हैं तो जितने एस ऑर्बिटल्स हैं वहां के ऑक्साइड ले लेते हैं, राइट? तो वही चीज है यहाँ पे, नॉन मेटल के ऑक्साइड बोल रहे हैं, मतलब आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज हमने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी बेस से तो क्या बनेगा? तो आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट विद द NaOH, कोई बेस से रिएक्शन करा रहे, तो यहाँ पे बन जाता है क्या? सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो बनता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट एज ए सॉल्ट बनता है, साथ ही आपके वाटर जो है वो बाहर हो जाते हैं। कार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में बनेगा और वाटर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। अभी भी मुझे इसे 2 लेना पड़ेगा, तभी सब कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है, सारा चीजें बैलेंस हो रहा है। क्लियर है? फिर लास्ट रिएक्शन है बेस रिएक्ट विद एसिड। अब ये तो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन है और इसका आंसर तो आपको पता ही है, राइट? कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस। अब आपके आगे चैप्टर के सिलेबस में लिखा है व्हाट इज द इंडिकेटर। तो जैसे नाम से समझ आ रहा है, इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है, मतलब आपको अगर बहुत सारा सोल्यूशन दे दिया है और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप तो साइंस के बच्चे हो, चलिए बताइए इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, फिर आप क्या करोगे? तो हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर होते हैं जिसका यूज करके हम तुरंत ही ऐसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो यहाँ पे इंडिकेटर है क्या चीज? इंडिकेटर एक टाइप का सब्सटेंस हो सकता है, एक टाइप का पेपर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं जिसका यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। अब ये पता कैसे करता है? तो ये पता करता है या तो स्मेल से, कोई एक स्पेशल स्मेल आपको इंडिकेट कर देगा, या फिर वो कलर में चेंजेस करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। तो इंडिकेटर का मतलब समझ आया है आपको? इंडिकेटर इज द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं चेंजेस द कलर ऑर्डर व्हेन द कॉन्टेक्ट विद द एसिड एंड बेस। तो इसी को आप बोलते हो क्या? इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर को भी हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। हमारे पास 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो है नेचुरल। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाएगा? टर्मरिक। आपको पता है ना, हल्दी का पानी लो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा है, इवन मैंने भी एक्सपेरिमेंट कराया है, आप मेरे वीडियोज में देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे हमने रेड कैबेज लिया था, नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज लेके बहुत सारे सोल्यूशन को टेस्ट करके मैं उसमें दिखाई हूँ प्रॉपर प्रैक्टिकली कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, साथ ही आपका टर्मरिक वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस पेपर जो आप सबसे ज्यादा केमिस्ट्री लैब में यूज करोगे वो है लिटमस पेपर। ये एक ना सिंपल सा पेपर होता है,
अगर आप उसे एसिड में डिप करोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है, अगर आप उसे बेस में डिप करोगे तो वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, और जब आप किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में डिप करोगे तो वो पर्पल कलर का होता है। तो एक है लिटमस पेपर, सेकेंड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है आपका टर्मरिक। टर्मरिक जिसको नॉर्मल हल्दी बोलते हैं, हल्दी में आप कोई बेसिक सोल्यूशन ले लो तो हल्दी में बेसिक सोल्यूशन कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ब्राउनिश मतलब रेडिश कलर, राइट, जैसे डिटर्जेंट है ना, बेसिक नेचर का होता है तो आप हल्दी में डालते हो तो हो जाता है ना रेड कलर का, ये तो आप सब करते ही हैं। लेकिन एसिड के साथ क्या रिएक्शन दिखाएगा, तो वापस उसी रेड वाले वाटर में जब एसिड डालोगे ना तो वापस से वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। टर्मरिक एसिडिक उसमें कोई ज़्यादा कलर चेंज नहीं करता, पर हाँ बेसिक चीज़ों में वो रेडिश ब्राउनिश कलर का हो जाता है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको मेनली जो लर्न करनी है वो है जो नेचर में प्रेजेंट होता है जिसका यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, फॉर एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। रेड कैबेज का तो पूरा वीडियो बनाया है मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में, वो आप जाके देख सकते हैं। और आपको लिटमस पेपर का तो समझ आ गया कलर है ना, न्यूट्रल होगा तो कौन सा कलर, पर्पल कलर, आपके पास बेसिक नहीं सोल्यूशन है तो फिर ब्लू कलर, और एसिडिक सोल्यूशन है तो वो रेड कलर देता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में हमारे पास और भी इंडिकेटर्स होता है जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन दे सकता है कि कौन सा एसिडिक नेचर का होगा, कौन सा बेसिक नेचर का होगा। इसके लिए हम ज्यादातर दो केमिकल को यूज करते हैं, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक का नाम है। अब क्योंकि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज ही कलर का होता है, ऑब्वियस बताऊंगी अभी ये कैसे अपना कलर चेंज करता है, राइट। तो मिथाइल ऑरेंज हो गया, और एक होता है फिनोप्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन ये दो ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको लैब में हम यूज करते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एक्चुअल में अगर देखो तो न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ ऑरेंज कलर देगा, उसके बाद अगर आप उसको बेस में डाल एसिड में डाल दो तो रेड कलर, और बेसिक्स वाले जो सोल्यूशन है उसमें डाल दो तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो ये भी कलर को चेंज करके एसिड या बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो अपना कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये दोनों जो इंडिकेटर है वो तो किसमें चेंजेस करते हैं, जब एसिड बेस में के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कलर में चेंजेस करते हैं। अब मैंने आपको एक टर्म यूज किया था कि कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो स्मेल में चेंजेस करते हैं, राइट। तो जो स्मेल में चेंजेस करते हैं उन इंडिकेटर को रखा गया है इस कैटेगरी में जिसको बोलते हैं ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलफैक्टरी इंडिकेटर में आप देखोगे ऑनियन जूस, वेनिला एसेंस, तो ये जो होते हैं वो स्मेल में चेंजेस करके आपको बता देंगे कौन सा एसिडिक नेचर का सोल्यूशन है और कौन सा बेसिक नेचर का सोल्यूशन है। तो आपके मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। जब वो एसिड बेस सोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आता है तो अपने स्मेल में चेंजेस करता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच सोल्यूशन इज अ बेसिक। तो यहाँ पे आपको होप समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में इंडिकेटर क्या है, जस्ट एसिड और बेस को बनाने का एक तरीका, बताने का एक तरीका है ना कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, उसी को आप बोलते हो इंडिकेटर। अब इतने टाइप्स के इंडिकेटर आपको समझ आ गया, तो एक छोटा सा और इंडिकेटर ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है हमारा पीएच स्केल, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बाद में एक पीएच स्केल देखा गया, उस पीएच स्केल में एकदम कलरफुल स्केल बनाया गया जिसमें रेंज भी दिए गए। तो ये जो स्केल है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको पीएच रेंज बोलते हैं, जिसमें वैल्यूज दी गई है 0 से 14 तक का। और अकॉर्डिंग टू दिस जो 7 नंबर पे आएगा कोई भी सोल्यूशन तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम अगर आ रहा है उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। बेसिसिटी इंक्रीज होते जाता है 7 to 14 तक, एसिडिटी इंक्रीज होते जाता है 7 से 0 तक। तो कुछ के ना आपको मैं थोड़ा सा वैल्यू भी याद करा देती हूँ तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। पीएच अब मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी बोला कि जो अगर 7 है तो 7 होता है न्यूट्रल, तो नॉर्मल जो हम वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7, 7 होता है न्यूट्रल। अब जैसे जैसे आप 7 से इधर मूव करते हो तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिटी जो है वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हो तो एल्कलाइन नेचर जो है वो इंक्रीज होगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी के लिए टर्म यूज करते हैं एल्कलाइन, तो एल्कलाइन नेचर जो है वो इधर इंक्रीज होता जाता है। तो कुछ कॉमन है जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप याद कर लो। सिंपल अब मैं शुरू से वो समझा देती हूँ आपको, अगर कुछ एसिडिक नेचर के एसिड में भी ना डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक वीक एसिड होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो होते हैं केमिकल, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बनते हैं वो सबको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और कुछ होते हैं वीक एसिड जो हमारे डेली यूज में जो हम खाने पे लेते हैं अपने डाइट्स में लेते रहते हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, वो वीक एसिड के कैटेगरी में रहता है। तो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी एसिडिटी कितनी है वो मैं आपको बता दूँ। तो जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं ना, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनकी वैल्यू तो जीरो से भी कम आता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो जीरो में आ जाएगा H2SO4, वो भी डाइल्यूटेड। साथ ही जीरो और वन के बीच में आ जाता है HCl एसिड। अब एग्जैक्ट वन एंड टू के बीच में आ जाता है स्टमक जूस। हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, आप पढ़े हो ना, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उस जो HCl है उसकी वैल्यू वन एंड टू के बीच में आएगा। तो यहाँ पे लिख लो, स्टमक में हमारे पास, स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी वन एंड टू के बीच में। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, टू हो जाता है लेमन जूस। किसका होता है? लेमन जूस, काफ़ी सिट्रस होता है, लेमन जूस बहुत सिट्रस होता है, राइट। थ्री में आ जाइए आप, लेमन जूस के बाद कौन सा आ जाएगा? विनेगर, विनेगर आ जाएगा इसमें, विनेगर का इसी के आसपास हो जाता है। ठीक है, फोर के आसपास आप ले लीजिए टोमेटो जूस, टोमेटो जूस भी सिट्रस होता है, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद बच्चे ऐसे रेंज जो है वो इसी के रेंज में बीच बीच में आता जाएगा। फाइव एंड सिक्स के बीच में आ जाता है आपका, हमने क्या क्या पढ़ लिया, HCl हो गया स्टमक का, उसके बाद ये हो गया, ये टोमेटो हो गया, कॉफ़ी, यस कॉफ़ी आ जाता है इस रेंज में। और उसके बाद सिक्स के और सेवन के बीच में रेंज में आ जाता है आपका मिल्क, मिल्क भी स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। सेवन से आगे जाएंगे तो हमारे ब्लड है ना, 7.2-7.8 के आसपास पीएच होता है हमारा ब्लड का। उसके बाद आप और आगे जाते जाइए तो फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा आ जाएगा, बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं, नॉर्मल बेकिंग सोडा जो यूज़ किया जाता है एज ए बेसिक नेचर का होता है वो। और यहाँ जीरो में चले जाओ तो ये हो जाता है NaOH का। तो ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आप तो इतनी चीज़ें आपको समझ आया होगा जो हमने इस 20 मिनट वीडियोज में कवर कर लिया। व्हाट इज़ द एसिड, व्हाट इज़ द बेस, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। उसके बाद मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है इंडिकेटर, इंडिकेटर में कैसा भी डेफिनेशन आया, आप इतने अगर नोट्स बनाओगे ना, शॉर्ट नोट्स, इतना ऐसा नोट्स बनाओगे विद इन सेकेंड रिविजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आप जान भी जाएंगे। आप खुद ही देखे होंगे कि अभी अगर आप नोट्स बनाना शुरू करो तो जस्ट 3 पेजेस के नोट्स बनेंगे। 3 पेजेस के नोट्स में को रिविजन करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 15 मिनट। तो 15 मिनट में आपके ऐसे फटाक से हो जाने वाला है ये चैप्टर प्रिपेयर। तो नोट्स आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए। अब बचे है हमारे सॉल्ट, एसिड बेस कंप्लीट हो गया, अब बचा है सॉल्ट। एक वीडियो और बनाऊंगी 10 मिनट्स का, जिसमें 10-15 मिनट्स का, जिसमें हम क्या करेंगे पूरे सॉल्ट को क्लियर कर लेंगे।